डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आज क्या पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोग को टेबल के अंतर्गत यहाँ पे कन्वर्ट और फार्मूला को मैंने कम्प्लीटली करवा दिया था। स्टूडेंट्स, ये सब वीडियो वॉच नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिए वीडियो ऑफिस राइटर से जाके आप ये क्या कर सकते हो, इन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हो, ठीक है, और इनके बारे में नॉलेज ले सकते हो। स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ना है आप लोग को आज, शॉर्ट ऑप्शन और प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट ऑप्शन को कंटेन करते हैं, ध्यान से देखिए। शॉर्ट ऑप्शन का मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जब भी कभी भी टेबल के अंतर्गत इस ऑप्शन का प्रयोग, उसका मतलब हमेशा ही होता है डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। स्टूडेंट्स, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई नंबर ऐसे लिखते हैं 1, 2 और इसके बाद यहाँ पे 3 और 4 एंड यहाँ पे 5, स्टूडेंट्स इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं असेंडिंग नंबर। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसे, असेंडिंग, ठीक है। और जब कभी भी स्टूडेंट हम ऐसे लिखते हो 5 देन यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, 2 और 1, स्टूडेंट्स इसको बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझा होगा, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स घटते क्रम में। इट मीन्स स्टूडेंट्स, असेंडिंग का मतलब आरोही क्रम होता है और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। स्टूडेंट्स, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में और अवरोही का मतलब होता है स्टूडेंट्स घटते क्रम में। सो स्टूडेंट्स, दोनों का मतलब आपने समझ लिया स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनो, एक टेबल के माध्यम से कैसे इसे हम करेंगे, ध्यान से देखिए। एक न्यू पेज ले लो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जाके आप टेबल मेनू से एक टेबल को क्रिएट कर लीजिए। सो टेबल पे मैंने क्लिक किया, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अपनी इच्छा अनुसार रो और कॉलम को यहाँ से क्या करो, सेलेक्ट कर लो ऐसे, उसके बाद इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक टेबल यहाँ पे बन चुका है। इस टेबल के अंतर्गत मैंने इसमें राइट कर दिया है जैसे कि सी, यहाँ पे बी राइट किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए कर देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ई कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डी कर देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद ध्यान से देखो, मैंने ये डेटा राइट कर रखा है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट कर रखा हूँ, टेबल पे जाऊँगा स्टूडेंट्स और कहाँ पे क्लिक कर दूँगा, सॉर्ट नाम के इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा ना स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो, मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया स्टूडेंट्स, देखो तो यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक स्टूडेंट्स दिया है और यहाँ पे लिखा है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। मुझे स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट को ABCD को बढ़ते क्रम में दिखाना है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अल्फा न्यूमेरिक वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके, असेंडिंग सेलेक्टेड है, जस्ट मैं यहाँ से स्टूडेंट्स ओके कर दूंगा ना। आप ध्यान से देखिएगा, ऑटोमेटिकली यह ABCD में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं क्लिक करता हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, क्या हो गया, डेटा ABCD में कन्वर्ट हो गया है कि नहीं हो गया है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह के ऑर्डर को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में कहते हैं। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ऑर्डर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए इसको एक रो को इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे लिख देता हूँ असेंडिंग। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑर्डर स्टूडेंट्स ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो मैंने राइट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। सो जैसे मैंने ई राइट कर दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स सी राइट कर देता हूँ, यहाँ पे बी राइट कर देता हूँ और यहाँ पे डी राइट कर देता हूँ और यहाँ पे ए। अब मैंने इसको सेलेक्ट, ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैं टेबल में जाऊँगा, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट में जाऊँगा और इसके बाद मैं जैसे ही इसको ओके कर दूँगा जस्ट स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ABCD हो चुका है। लेकिन मुझे इसे किसमें करना है, डिसेंडिंग में करना है, इस समय तो असेंडिंग हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे टेबल में जाएंगे ना स्टूडेंट्स, टेबल में जाकर ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करके स्टूडेंट्स ओके कर दो।
तो देखो ए डी सी बी ए, देखो तो ई ऊपर चला गया और डी सी बी जो ए है सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है। देखो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो यहाँ पे कि ये नंबर है स्टूडेंट्स, इसको आपको बढ़ते क्रम में करना है। जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिख दिया यहाँ पे, टू लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन कर देता हूँ, यहाँ पे फोर कर देता हूँ और यहाँ पे टू कर देता हूँ स्टूडेंट। और यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थ्री कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल ये नंबर नहीं है, मुझे क्या करना है, मतलब ये बिल्कुल ही असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना तो डिसेंडिंग में है। मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कहाँ चला जाऊँगा स्टूडेंट्स और कहाँ पर क्लिक करूँगा, देखो तो शॉर्ट वाले इस ऑप्शन पर, और जस्ट स्टूडेंट्स इसे मुझे असेंडिंग ऑर्डर करना है और इसके बाद ओके कर देना है। जस्ट देखो तो एक दो दो तीन चार हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखो टेबल के अंतर्गत स्टूडेंट्स आप लोगों ने शॉर्ट वाले इस ऑप्शन को समझ लिया होगा। शॉर्ट का मतलब स्टूडेंट्स किसी भी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए प्रयोग करते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगला कमांड स्टूडेंट्स देखो दिया है प्रॉपर्टी, ये कब काम करेगा स्टूडेंट्स, जब कोई टेबल सेलेक्टेड होगा तब। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे तो कितने कॉलम तो बने इसमें से, पांच कॉलम ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे पांच कॉलम है, वन कॉलम टू थ्री फोर और एक इधर है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे दे रखा होगा ये वाला, क्लिक करूँगा तो देखो पाँचवा नंबर का आ चुका है स्टूडेंट्स। सारे कॉलम लगभग में बराबर है, कुछ कॉलम की यहाँ पे इंच जो है थोड़ा एक पॉइंट आगे पीछे है। सो क्या समझा स्टूडेंट्स आपने, टेबल के प्रॉपर्टीज में टेबल के कॉलम की विड्थ बता रहा है, ये क्या है विड्थ, विड्थ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉलम की विड्थ दे रहा है, विड्थ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चौड़ाई ना इसकी स्टूडेंट्स, देखो बराबर बराबर सभी की चौड़ाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, टेक्स्ट फ्लो या स्टूडेंट्स यहाँ पे लेफ्ट से क्या होता है आपका टेक्स्ट फ्लो होता है। टेबल पे जाओगे स्टूडेंट्स, टेबल की विड्थ यहाँ पे बता रखा है, टेबल की विड्थ मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, टेबल की टोटल चौड़ाई कितनी है तो 6.93 इंच है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेबल कहाँ से कहाँ तक बना हुआ है, यहाँ पे यहाँ से लेके बना है और यहाँ तक बना है, तो टोटल कितनी इसकी जो चौड़ाई होती है टेबल की कितनी, 6.93 है स्टूडेंट्स, देखो बाय डिफॉल्ट टेबल की यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको जैसा भी लेफ्ट राइट में ऑप्शन देना है आपको स्टूडेंट्स, यानी इस कॉलम के माध्यम से आप अपने हिसाब से कॉलम को रख सकते हो। बॉर्डर पे क्लिक करोगे ना स्टूडेंट्स तो ध्यान से देखो आप कहीं भी बॉर्डर यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब देखो जिस तरीके से क्लिक कर रहा हूँ उस तरह से बॉर्डर आपको यहाँ पे ऐड हो जा रहा होगा। सो मैं इसे क्लिक करके ऐसे बॉर्डर को मोटा पत्ता भी कर सकता हूँ, तो देखो लग गया। और बैकग्राउंड पे क्लिक करके स्टूडेंट्स आप अपने टेबल के लिए जो भी बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। जस्ट इसके बाद आपको यहाँ पे ओके वाली बटन पे क्लिक करना होगा। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं इस पर अब क्लिक करूँगा ना तो मेरी सारी प्रॉपर्टीज इस टेबल के ऊपर क्या होगी, लग गई होगी। मैं ओके करता हूँ, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, देखो तो लग गया है कि नहीं लग गया है स्टूडेंट्स, बैकग्राउंड भी लगा लेकिन किस पे लगा, केवल एक सेल पे, क्योंकि यही सेलेक्टेड था। यदि मैं इस पर क्लिक करके फुल यहाँ पे टेबल में जाके और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके स्टूडेंट्स देखो यहाँ से कलर दूंगा ना तो पूरा का पूरा कलर क्या हो जाएगा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। देखो तो हो गया कि नहीं हो गया स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को टेबल के इन सभी ऑप्शंस को आप लोगों को करवा दिया है स्टूडेंट्स। इनमें से कोई भी वीडियो अगर आपको डाउट है जो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल के लिबरी ऑप्शन से जाके इन सभी ऑप्शंस के एक एक के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज को गेन कर सकते हो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।